इस सूबे में इस मुल्क ये कि यहाँ पर सियासतदान हर चीज़ में मदाखलत करते हैं, इदारों को काम नहीं करने देते हैं, सफारिश से अपने लोग लगाते हैं, फिर वो डिलीवर नहीं करते और लोगों को तकलीफ़ होती। अब इस चीज़ से निकलना है, अगर अब हम पाकिस्तान को और इस मुल्क को इस चीज़ से ना निकाल सकें कि हम इदारों को ख़ुद काम ना करने दें, तो ये जो आप देख रहे हैं ये हालात है। जब तक हर इदारा अपना काम खुद करे, हमारा तो सिर्फ काम है कि हम पॉलिसी दें, हम पॉलेंगे और ब्यूरोक्रेसी इस पर अमल करेगी। ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है कि हमें पॉलिसी दे, अगर कोई लीडर है या पार्टी है उसका यही काम है कि उसने बेहतरीन पॉलिसी देनी मुल्क के लिए, सूबे के लिए, और उस पर अमल करवाना, ये फिर बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने 5 साल में भी पॉलिसी दी, मैं जब आया तो कई मुश्किलात थी, कई ऐसी चीज़ें जिस पर 1 रुपये खर्च नहीं होता। उस वक़्त भी हमारी पार्टी शोर मचा रही थी कि 90 दिन में ये करना है वो करना है। असली चीज़ ये कि 90 दिन में कुछ नहीं हो सकता। 90 दिन में आप इदारों को ठीक कर सकते हैं बग़ैर पैसा खर्च, आप पुलिस को ठीक कर सकते हैं, आप एजुकेशन को ठीक कर सकते हैं, टीचर को हाज़र कर सकते हैं, आप हेल्थ में डॉक्टर्स को हाज़र कर सकते हैं। मतलब है कि सिस्टम को पहले ठीक करें, अगर आपका सिस्टम ही मुल्क का ना ठीक हो, आप जो मर्ज़ी पैसा लगा लें, जितनी मर्ज़ी दवाइयाँ लें, जितने मर्ज़ी स्कूल बना लें, अगर स्कूल के अंदर तालीम ना हो, टीचर हाजिर ना हो, उधर फर्नीचर ना हो, रिज़ल्ट का नहीं पूछे, तो फिर कैसे चलेगा। मैं तो जब आया हूँ, मैं तो स्कूल में टीचर को हाजिर किया, हम नतीजे का पूछते थे, स्कूल में जो मसले थे उसका पूछते थे, दिन रात हमारी टीमें बनी हुई थी और हम उसको पूरा चेक रखते थे। तभी उस दौर में सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से लोग आने शुरू हो गए, क्योंकि एक बेहतरी आ चुकी थी। लेकिन यहाँ पर तो किसी को हमें नहीं फिक्र नहीं कि गरीब का बच्चा तालीम कर रहा है, उसका तालीम का क्या हाल है, उसका टीचर है कि नहीं। सिर्फ सियासत करते हैं टीचर पर कि टीचर को खुश करो और गरीब बच्चों को तबाह करो, तो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, हम बेहतरीन तालीम देंगे और आए इसलिए कि हम इसको रिफॉर्म करें और जो सरकारी स्कूल हो उसकी तरफ तवज्जो दें। एक मुश्किल और है, यहाँ 3 किस्म के तालीम है, एक प्राइवेट स्कूल्स है, एक सरकारी स्कूल है, एक मदरसा है। तो एक बहुत बड़ा गैप पड़ गया, इन 3ों के बीच में बहुत बड़ा गैप पड़ गया। अब इनको एक ही उस पर लाना है लाइन पे, कि अगर इनके कैरिकुलम हम ठीक करें, 3ों को एक किस्म का कैरिकुलम दें और 3ों को एक लाइन पे लाएं, चाहे मदरसा हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे सरकारी, क्योंकि अगर ये गैप बढ़ता गया तो इस मुल्क की बहुत मुश्किलात पड़ेंगी और पड़ चुके हैं। हर एक अपने अपने सोच के, प्राइवेट स्कूल का है वो कुछ और अपने आप को समझता है, गरीब लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो कमज़ोर अपने आप को समझता है, मदरसे में जो हैं वो कुछ और सोच है। तो ये 3 सोचें अगर इस मुल्क में चलती रहीं तो ये मुल्क में बहुत बड़ी तबाही आएगी। तो हमारी कोशिश है कि 3ों को एक ही ग्रेड पर लाएँ और 3ों एक तरह का सोच पैदा करें। इसी तरह हेल्थ है, एजुकेशन में तो ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ, मैं बहुत कुछ पहले कर चुका हूँ और उसी को आगे लेकर जाना है। एजुकेशन में काफ़ी रिफॉर्म्स किए, तनख्वाहें बढ़ाई, सब कुछ किया, अब इसको और आगे लेके जाना है, रिज़ल्ट देना है मैंने सूबे को कि हमारे गरीब और प्राइवेट स्कूलों में और मदरसों में लोगों को बेहतरीन तालीम मिले। दूसरा हेल्थ है, देखें हेल्थ एक ऐसा है, हेल्थ एजुकेशन, ये अगर आप आईन को पढ़ें उसमें लिखा हुआ है कि हेल्थ एजुकेशन हुकूमत की जिम्मेदारी है। आज तक किसी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, क्योंकि अगर पूरी करते तो हमारे स्कूलों के तालीम और नतीजे को आप देखें ऐसे ना होते। ये जिम्मेदारी है, खाली ये जिम्मेदारी नहीं है कि बिल्डिंग बनाओ, जिम्मेदारी ये है कि लोगों को बेहतरीन तालीम दे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अस्पताल बनाओ और उसमें डॉक्टर ना हो, उसमें दवाई ना हो, उसमें इलाज ना हो, तो फिर उस बिल्डिंग को बनाने का क्या होगा। ये जिम्मेदारी हुकूमत की है, खाली ये नहीं है कि बिल्डिंग बनाओ, उनकी जिम्मेदारी होती है कि लोगों को सेहत की सहूलतें मिले, बेहतरीन सहूलत मिले, अस्पताल में दवाई पूरी हो, डॉक्टर हाजिर हो, जो वहाँ कमी है वो पूरे। हमने 5 साल में और 8 साल में सब कुछ पूरा किया, हज़ारों डॉक्टर्स हमने भर्ती किए, टेक्नीशियन, नर्सेज, सब कुछ हमने किए अपने वक्त में। और लोग जब इलेक्शन आया तो लोगों को पता चल गया था, इसी वजह से हमें वोट मिला, इसी वजह से 2018 में इलेक्शन जीता, क्योंकि उनको हॉस्पिटल में हमने सहूलतें दी, स्कूलों में रिज़ल्ट दिए। और हॉस्पिटल में ये हाल था कि अगर टीचर का कहूँ तो 50% टीचर का राज है, हमने उसकी हाजिरियाँ लगाई, चेक किया, रिकॉर्ड रखते रहे और उनसे तनख्वाहें करते थे, तो वो एक बेहतरी आ गई। फिर डॉक्टर हॉस्पिटल से गैर हाजिर,
क्योंकि यहाँ पर तो लोग डॉक्टर भी सियासत करते हैं और टीचर भी करते हैं, उसको ये गम नहीं है कि गरीब आदमी आम आदमी को वो सहूलत नहीं है, क्योंकि उसका पूछने वाला कोई नहीं, मैं तो पूछने वाला हूँ। तो डॉक्टर हाजिर किया, इंशाल्लाह फिर हाजिर करेंगे। इमरजेंसी शुरू में मैंने इमरजेंसी फ्री कर दी, क्योंकि इमरजेंसी में किसी के पास एक्सीडेंट हो जाए, पैसा नहीं होता, तो हमने फ्री कर दी। और उसके बाद फिर भी वो मसला पूरा नहीं हुआ, फिर हमने यहाँ सेहत कार्ड लाया। अब मैंने